हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो प्रोफाइल है वो सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर है, और ये खास इसलिए है दोस्तों कि इसमें सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ये जॉब दुबई की होने वाली है, और इसको क्या करना दोस्तों, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें, सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। ओटी वगैरह है या नहीं है, कितने घंटे वर्किंग टाइम है, ये सब कुछ डिटेल दोस्तों शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे दोस्तों, 2-3 मिनट की वीडियो होगी और उसे भी आप बीच में स्किप करके भगा के देखेंगे, तो आप करियर का चुनाव सही से नहीं कर पा रहे हैं। और आप ऐसे हजारों वीडियो देख लेंगे, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। कोई एक वीडियो देखिए जहाँ पे आपको लगे कि ये हमारे लिए जेन्युइन है, और ये जेन्युइन एजेंसी है, जेन्युइन बंदा है, उस पर ट्रस्ट करिए और काम करिए। चलिए फिलहाल हम बात करें दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर के लिए। इसमें जो सबसे खास मैंने बताया कि सैलरी है, वो सैलरी आपको 2000 से लेके 2500 दिराम से मिल जाएगा। ये जो 2000 या 2500 जो भी मिलेगा आपको, ये डिपेंड करेगा आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पे, या जो भी आपके पास नॉलेज होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। ये वर्किंग टाइम होगा इसमें आपका 10 घंटे, बाकी इसमें ओटी भी मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ओटी विल बी प्रोवाइडेड, यानी आपको ओटी मैंडेटरी है, मिलेगा ही मिलेगा। 2 घंटे तो कंपलसरी है, 2 घंटे के अलावा भी मे भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे काम कितना है। बहुत सारे साइट पे ऐसे होता है दोस्तों कि आपको जो है कभी कभी 15 घंटे साइट चलती है, 16 घंटे साइट चलती है, 13 घंटे चलती है, 14 घंटे चलती है। तो जो भी जिस हिसाब से वर्किंग टाइम होगा उसके हिसाब से आपको ओटी मिलेगा, लेकिन 2 घंटे मैंडेटरी, यानी 12 घंटे तो नेसेसरी है दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट ठीक ठाक रखा गया है, 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 35 वर्ष से अगर अधिक है तो अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और शर्त रखी गई है, कैंडिडेट के पास जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट होना चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट? या तो बोर्ड से होगा या निबोर्ड से होगा, ये दोनों जगह से अगर आपने सर्टिफिकेट जो है फायर एंड सेफ्टी का लिया है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। अगर लिए हैं तो ही आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बात करूँ दोस्तों वीज़ा की, तो ये 10 दिन में आपको वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा, और 10 दिन में ही आपकी फ़्लाइट भी हो जाएगी। अगर आप जो है जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये जॉब मिल जाएगी। और एक रेपुटेटेड कंपनी, यानी रेपुटेटेड एजेंसी की बात करिए तो उसका नाम है हाई फाई सोल्यूशन, ये तमिलनाडु में इसमें सिचुएटेड है, और ये 100% आपको वीजा वर्किंग देगी दोस्तों। यानी वर्किंग वीजा अगर मैं अगर इंटरेस्टेड है जाना, वर्किंग यानी वर्क परमिट में अगर आप जाने के लिए इंटरेस्ट है तो इस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर से आपकी जॉब मैच कर रही है तो, यानी आपका रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बोस और निबोस से जो है आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। पूरे ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो दोस्तों, तो इस जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट वाले भाइयों के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसमें जो सुविधाएँ मिलनी है, तो इसमें फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएँ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। यानी जो भी आप पैसे कमाएंगे वो सारे पैसे आपके सेफ होंगे। यानी अगर आप इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करिए, अगर आपकी 2000 सैलरी अगर वहाँ की दिराम से मिलती है, 2500 भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 2000 की बात करें जो वहाँ पे रखा गया है 10 घंटे का, तो भी आपका 45,000 रुपया इंडियन रुपीज़ में बन जाएगा, ये मात्र 10 घंटे की। बाकी ओटी वगैरह करेंगे तो 50+ हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना काम करते हैं। सपोज अगर आपको वीकली, अगर आप संडे वगैरह को भी वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे को भी अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो फ्राइडे का अलग से आपको बन जाएगा। जो भी पैसा मिलेगा वहाँ का दिराम्स वगैरह वो आपको इंक्लूड हो जाएगा। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी अगर देखिए तो 60,000 के प्लस जाएगी इंडियन रुपीज़ में। अगर सही से अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर सही ड्यूटी करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऐसा होगा। अदरवाइज अगर आप मस्ती में जॉब करेंगे तो इतना जितना मैंने बताया आपको, ये 10 घंटे का आपको 45,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में खा पी के एकदम बिल्कुल मस्त मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी सब कुछ दे दूंगा। आपको क्या करना है वहाँ पे उनसे बात भी करना है, साथ ही साथ पहले डॉक्यूमेंट भेजिए, कि कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट भेजिए उनके ईमेल आईडी पर, साथ ही साथ उनके व्हाट्सअप पे दोनों जगह भेजिए, बात करिए और बोलिए कि मैं इस जॉब में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो एक लाइक करिएगा। चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।